कीर्ति परोहा, 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों का एक्सप्लेनेशन समझा था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए थे। आज हम इसी टेक्स्ट बुक यानी फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 3 जो है, इसका नाम है डीप वाटर, गहरे पानी में, इस चैप्टर को समझेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर को जानेंगे। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है विलियम डगलस। जानेंगे ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर। तो विलियम डगलस इन 1898 टू 1980 वॉज बोर्न इन मैन मिनेसोटा। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 ईयर्स टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो विलियम डगलस थे वो 1898 से, उनका जो जीवन काल रहा 1898 से लेकर 1980 तक, वो वहाँ मैने में पैदा हुए थे जो कि मिनेसोटा के अंतर्गत आता है। और इनके ग्रेजुएशन किस में कम्प्लीट किया इन्होंने, बैचलर्स ऑफ आर्ट, और किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। इन्होंने 2 साल याकिमा के एक हाई स्कूल में टीचिंग करने में व्यतीत किए। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। यहाँ पर वो इन सब चीज से ऊब चुके थे तो उन्होंने कानूनी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना शुरू किया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकम माय एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। वो वहां पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले येल शहर में, और वहां पर जो प्रेसिडेंट थे उनके एक फ्रेंड और एडवाइजर नियुक्त हुए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट। डगलस जो थे वो किस चीज के अधिवक्ता बन गए, किस चीज के एडवोकेट बन गए, मानव अधिकार के बारे में। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 इयर्स एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट के इतिहास में उन्होंने सबसे लंबी सेवाएं दी, मतलब 36 यानी 36 सालों की सेवाओं के बाद वो 1975 में रिटायर हुए। The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. ये जो चैप्टर का पार्ट आप पढ़ रहे हैं, जो लेख है, ये किसका है? Of Men and Mountains. ये बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ये चैप्टर का जो लेख है वो किससे लिया गया है। तो इनके जो लिखा हुआ था Of Men and Mountains, इससे लिया गया है। It reveals How a young man, young boy, William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter, how he finally overcome it. अब यहाँ पर इस निबंध में उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से एक नौजवान लड़का पूल में डूबने लगता है, बिल्कुल डूब ही जाता है, और उसके बाद किस प्रकार से वो इस फियर को, इस डर को, पानी के डर को बाहर निकालता है और वो डूबने से बाहर आ पाता है। नोटिस How the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि किस प्रकार से वो डर के अपने अंदर के जो व्यक्तिगत डर है उसके अंदर, उसको वो बताता है, किस प्रकार से व्यक्त करता है और किस ढंग से वो इन सब चीजों से ओवरकम हो पाता है। अर्थात यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की मनोदशा, जो भय है या जो भी दूसरी दशाएं हैं, उनसे निपटने के बारे में एक बहुत ही अच्छा प्रेरणादायी लेख लिखा गया है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले रीड करेंगे, उसके लिए आप अपनी नोटबुक निकाल लें और उसी हिसाब से। व्हेन आई वाज 10 or 11 इयर्स ओल्ड, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe.
It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk. आगे देखेंगे अपन, तो यहाँ पर देखते हैं कि यह कब हुआ। लेखक बता रहा, जब मैं 10 से 11 साल का लड़का था और मैंने सोचा था कि मैं क्या करना सीखूंगा, स्विम करना, स्विम यानी तैरना सीखूंगा, मैं तैराकी सीखूंगा। वहां पर एक पुल था, एक स्विमिंग पुल था जो कि YMCA यकीमा के अंतर्गत था। वहां पर इस प्रकार से तैरने की सुविधाएं दी जाती थी। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब वहां पर जो रिवर थी, जो नदी थी, उसका नाम था यकीमा। यकीमा नदी जो थी वो कैसी थी, ट्रेचरस। ट्रेचरस यानी विश्वासघाती, मतलब वहां कुछ भी अनहैपनिंग, कुछ भी इंसिडेंट ऐसे विश्वास जिस पर ना किया जा सके, गिरने के, कोई एक्सीडेंट के, ऐसे केसेस होते रहते थे। मेरी माँ जो थी मुझे हमेशा पूरे समय निरंतर रूप से वार्न यानी मतलब चेतावनी देती रहती थी कि, और मेरे दिमाग में हमेशा उसको फ्रेश भी करती रहती थी। कौन सी बात को, वो हमेशा बताती थी, आज यकमा नदी के यहाँ पर एक ऐसी अनहैपनिंग हो गई, आज वहां पर एक ऐसी अनप्लेजेंट घटना घट गई, आज एक बच्चा गिर गया, जो भी हो वगैरह वगैरह, ऐसे करके उसकी माँ उसको रोज उसके बच्चे के मन में क्या बताती थी कि यू शुड नेवर गो देयर, मतलब तुमको वहां पर नहीं जाना है नदी में तैरने के लिए, या नदी के पास भी नहीं जाओगे। माँ क्या करती, बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, उसको सेफ्टी देती है, इसलिए उसके दिमाग में ये पूरे समय भागती रहती थी कि नहीं नहीं यकीमा रिवर जो है वो बहुत विश्वासघाती है, यानी बहुत गहरी और बहुत नुकसान दे सकती है पर्टिकुलर व्यक्ति को। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। अब बोल रहा कि यकीमा रिवर जरूर विश्वासघाती थी, लेकिन जो YMCA पूल था, ये इस पुल का नाम है स्विमिंग पूल का YMCA, तो ये जो YMCA पुल था वो कैसा था, सेफ था। क्यों सेफ था, कि जब वो स्टार्टिंग में था तो स्टार्टिंग एंड में ये कैसा था, ये पुल 2 या 3 फीट गहरा था और लास्ट वाले एंड में कितना था, 9 फीट का गहरा था, और यह 2 to 3 feet था। आप समझ रहे होंगे यहाँ पिक में बहुत अच्छे से। I got a pair of water wings and went to the pool. और अब वो क्या बोल रहा कि मैंने एक जोड़ी पंख तैरने के लिए ले लिए और कहाँ चला गया, पूल में चला गया। I hated to walk. अब यहाँ हम पहले यकीमा रिवर देख ले। तो द यकीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन USA. द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस यकीमा पीपल। अब ये जो कोलंबिया के अंतर्गत कौन से, ये यकीमा रिवर जो है वो कोलंबिया नदी की सहायक नदी है, जो कि कहाँ स्थित है, ईस्टर्न वॉशिंगटन USA के अंतर्गत। और यहाँ पर यकीमा पीपल के नाम पर ही इस नदी का नाम क्या पड़ गया, यकीमा रिवर। नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स। बताए subdued my pride and I did it from the beginning. However, I had an aversion to the water when I was in it. I started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. अब यहाँ पर क्या बताते हैं कि यहाँ पर जब वो पूल में गए तो उनको क्या होगा, उनको स्विमिंग पूल वाली पोशाक पहनना पड़ेगी, स्विम वाली पोशाक, जो स्विम सूट रहता है उसको पहनना पड़ेगा। तो कहते मुझे नफरत थी कि मैं अपनी पतली टांगों को प्रदर्शन करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को वश में किया और तैरना चालू किया, मतलब उसने स्विम सूट पहन लिया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वॉटर वेन आई वॉज इन इट। बोलते मुझे भी शुरू से ही पानी के प्रति क्या थी, अवर्जन, विमुखता। पानी के प्रति उनमें हमेशा विमुखता रही, मतलब वो पानी, जनरली बच्चे पानी में खेलना पसंद करते, लेकिन जो लेखक था
उसको पानी से बहुत डर लगता था। क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये जब हुआ, जब मैं 3 या 4 साल का रहा होऊंगा, और मेरे पिता मुझे कहाँ ले गए, कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए। जब कैलिफोर्निया बीच पे मैं गया तो वहां पे क्या हुआ, पापा के साथ जैसे ही मैं पानी के भीतर गया और हम खड़े रहे, पापा ने मुझे अपने ऊपर ले लिया। आई हंग ऑन टू हिम, मैं पिता के ऊपर चढ़ गया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और उसी समय जो पानी की लहरें थी मुझे जोर से थपथपाती थी या फिर मेरे ऊपर से बह जाती थी। आई वॉज बरीड इन वॉटर, और मैं लगभग पानी में डूब गया था, गड़ चुका था। बरीड इन गड़ चुकना, तो मैं बहुत गड़ चुका था पानी के अंदर। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें ही चली गई थी, क्योंकि पानी के अंदर कोई सांस तो ले नहीं सकता बच्चों। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था बहुत ज्यादा। फादर लव्ड, पिता हंस रहे थे मेरे इस डरे हुए चेहरे को देखकर। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर रैपिंग फोर्स ऑफ द वेव। अब वो क्या बोल रहा कि लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं बहुत डर हो गया था। पिताजी जरूर हंस रहे थे, लेकिन मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में इसका डर समा गया था, क्योंकि जो पानी की विजय का जो फोर्स था, जो बल था, वो मेरे अंदर बहुत गहरे में डर के रूप में समा चुका था। नेक्स्ट देखें बच्चों, YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टेड चाइल्डिश फियर, बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर्स बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न by apping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब यहाँ पे क्या बोलता कि मेरे जो YMCA पुल में जहाँ मैं तैरना सीखने के लिए जा रहा था, वहां पर मेरे साथ क्या था, मेरे साथ बचपन का डर था, मेरे साथ ऐसी अनप्लीजेंट, मतलब जो मुझे खुश नहीं रख सकती, ऐसी यादें लेकर के मैं वहां पर गया। लेकिन इसके बाद भी जब मैं तैरना शुरू कर रहा था, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने विश्वास को इकट्ठा किया, मैंने अपने पूरे मन में अच्छे तरीके से विश्वास इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विथ माय न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। अब उन्होंने क्या किया, उसने अपना पूरा विश्वास उस लेखक में समेटा कि मुझे तैरना सीखना ही है। उसने अपने वाटर विंग्स की सहायता से, जो उसने अपने यहाँ बाजुओं पे बांधे हुए थे, उसकी सहायता से पैडल पैडल यानी छप छप करके जब बढ़ते हैं अपन पानी में, तो उसने वो चालू किया और दूसरे बच्चों को भी देख रहा था कि वो कैसे सीख रहे हैं। ऐसा मैंने 2 से 3 समय किया, अलग अलग दिनों में किया, और जब तक करता रहा जब तक कि कुछ नया मिस एडवेंचर हैपन नहीं हुआ। आई वेंट टू द पूल when no one else was there. The place was quiet. The water was still and the tilt bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone. So I sat on the side of the pool to wait for others. अब यहाँ क्या बोल रहा, मैं कहाँ गया, दूसरे दिन भी एक दिन पूल पे गया, फिर से वो पूल पे गया, वहां पर कोई भी नहीं था, सब जगह बिल्कुल शांति थी, पूरा शांत पड़ा हुआ था वो स्थान। वॉटर वॉज स्टिल, पानी ठहरा हुआ था, क्योंकि वहां कोई था नहीं, पानी में कोई शांत था, और कैसा क्लीन था, जैसे बाथ टब का पानी क्लीन रहता है। मैं थोड़ा शर्मा गया था क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए मैं पूल के एक साइड पर बैठ गया और दूसरे लोगों के आने का इंतजार करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny, how you like to be dubbed?" अब यहाँ पर देखें आगे क्या होता है। अब यहाँ पे क्या बता रहा कि वहां पर एक बदमाश टाइप का लड़का जो लगभग 18 इयर्स का रहा होगा, वो वहां पर आया। वो कैसा था, वो थोड़ा मतलब लड़का होते होते जैसे कि वो मैन बन रहा हो, उसके छाती पर बहुत घने बाल थे, उसके जो शरीर था वो कैसा था, बहुत ही सुंदर शरीर का व्यक्ति मतलब लड़का था, जिसके पैरे
पैर और भुजाएं जो कैसी थी, मांसल और आकर्षक देह यष्टि वाली थी। और उसने मुझसे कहा, क्यों फिड़कू, इसके नहीं आने फिड़कू, मैंने दुबला पतला, क्यों फिड़कू, तुम क्या डुबकी लगाना पसंद करोगे? आगे देखें। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened but not yet frightened out my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface to the edge of the pool. अब यहाँ देखें हम, तो उस लड़के ने क्या किया, हाय फिड़कू करके उसको उठाया, जिसको लेखक को जोरदार तरीके से पानी में धकेल दिया, बहुत जोर से उसको पानी में पटक दिया। अब क्या होता है, वो तो बैठे हुए पोजीशन में था, उन्हें उसने पानी पी गया और उसको समझ में नहीं आया, वो डर चुका था, लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं मैं अब डरूंगा नहीं, जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा मैं अपने पैरों से बॉटम को हिट करूंगा और बहुत बड़ा जंप, बहुत जोर से जंप लूंगा, जिससे मैं कहाँ आ जाऊंगा, पानी की सरफेस पर वापस आ जाऊंगा और उसके बाद पैडल करते हुए मैं पुल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा लेखक ने सोचा। आगे देखते हैं। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly, I opened my eyes and saw nothing. कि लेकिन नीचे जाते वक्त बहुत लंबा रास्ता मुझे समझ में आया, ये जो 9 फिट थे ना मुझे 90 फिट के बराबर दिखाई दिए, 9 कैसे इसको लगने लगे, 90 फिट गहरे के जैसे लगने लगे, जैसे कि मैं बॉटम को यानी तले को नीचे तक टच करता, मेरे जो लंग्स जो फेफड़े थे वो कैसे थे, पूरी तरह से फटने को तैयार थे। क्यों फटने को तैयार थे, क्योंकि इसने इतना पानी स्वेल अप कर लिया था। अब इसके बाद भी उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और उसने सोचा कि नहीं मैं बहुत तेजी से ऊपर आ जाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने ये भी सोच के रखा था कि मैं किसी पानी में डूबते हुए कॉर्क की भांति ऊपर इजीली आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया मेरे को। मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखें आगे क्या होता। नथिंग सी बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, आई ग्रू पैनिकली। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. यहाँ पे क्या बता रहा कि पूरे तरफ पानी ही पानी मुझे दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। और पानी भी कैसा दिखाई दे रहा था, मुझे गंदा पीले रंग का पानी दिखाई दे रहा था। मैं बहुत ही असमंजस और बहुत पैनिक में था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाके रस्सी जैसा कुछ पकड़ लूं, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ क्या था, पानी ही पानी था। मैं बहुत सफोकेटिंग फील कर रहा था, मैंने चिल्लाने की भी पूरी कोशिश की लेकिन कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ पानी के बाहर मेरी आंखें और मेरी नाक ऊपर आई लेकिन मेरा मुंह ऊपर नहीं आ पाया। नेक्स्ट देखें। I played at the surface to the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weight, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब यहाँ क्या बता रहा कि वो फेल हो चुका था, वो कोशिश कर रहा था छपछपाने की, वाटर के सरफेस तक आने की, लेकिन उसने बहुत सारा पानी पी लिया तो उसका गला चोक हो चुका था,
वो कोशिश कर रहा था अपने पैरों को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन वो ऐसे लटके हुए थे जैसे कि या तो वो डेड हो चुके हैं या पैरालाइज हो चुके हैं या फिर वो दृढ़ होकर के किसी भी मूवमेंट से रहित हो चुके हैं। उसने बहुत एक ऐसा कोई ऐसा फोर्स उस पर लग रहा था जो कि उसको अंदर खींचे जा रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीख रहा था, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस चिल्लाहट को कौन सुन रहा था? सिर्फ पानी सुन रहा था। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि मैं इस पूल से बाहर आ सकूं। तो बच्चों यहां तक आज हम पढ़ेंगे, इसके आगे देखेंगे कि क्या लेखक पानी से बाहर आ पाया या उसने किस प्रकार से आगे अपना काम किया। थैंक यू बच्चों।